dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 27 and we are going to talk about making the mindful leaders and when we talk about making the mindful leaders we are concerned with cultivating skills for facing adaptive challenges by the word adaptive we mean to say that every circumstance every situation is different from others and we have to make ourselves feasible and comfortable with the new situation, with the upcoming challenges. Whenever we talk about such models, this equation always echoes in my mind. And it says that if you know others and you know yourself, you will not be impaled in a hundred battles. If you know yourself but do not know others, you may lose one and you may win one. And if you do not know others and do not know yourself, you will be impaled in every single battle. This quotation is given by Sun Tzu in his famous book, Art of War. And the emphasis is on the point of knowing. Knowing is very important. Unless and until we are not aware about ourselves and our circumstances, we would not be able to make good and better decisions. So, a mindful leader is always there to think about the circumstances.

उसने अपने आप को लेकर चलना है बल्कि उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी लोग उसके फॉलोअर्स हैं उन सब को भी उस तब्दीली के अमल से वो गुजारना है द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन वी टॉक अबाउट माइंडफुल लीडर्स इज एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी माहौल में कई तरह के रिस्क हैं माहौल में कई तरह की अनसर्टेनिटीज हैं सो उस माहौल में जितने भी वेरिएबल्स कंडीशन कंस्ट्रेंट्स हैं उन तमाम के बारे में जानना और अपने फॉलोअर्स को गाइड और ट्रेन करना कि उन अनसर्टेनिटी से वो कैसे कोप करें एक माइंडफुल लीडर के लिए उन अनसर्टेनिटीज़ को जानना और समझना जरूरी होगा द थर्ड थिंग वो एडेप्टिव चैलेंजेस को पिक कर सके माहौल में क्या क्या तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं अनसर्टेनिटीज़ कौन सी हैं और उन अनसर्टेनिटीज के मुताबिक अपने आप को किस तरह से मोल्ड करना है दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि एक माइंडफुल लीडर के लिए ज़रूरी होगा जब हम एडेप्टिव चैलेंजेस की बात करते हैं तो देर आर सर्टन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द लीडरशिप एंड लीडरशिप चैलेंजेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स दे कैन बी रिलेटेड टू द टेक्निकल प्रॉब्लम्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद नॉन प्रॉब्लम्स एंड नोन सोलूशन फॉर एग्जाम्पल एक मशीन का ब्रेकडाउन कर जाना अगर एक मशीन ब्रेकडाउन कर जाती है तो देर आर सर्टन फॉलो और उसके मुताबिक दे कैन फिक्स द मशीन जिसके बरक्स जो एडेप्टिव प्रॉब्लम है दे आर ऑलवेज यूनिक और उस केस में द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में नॉट बी नोन जब प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन नोन नहीं होंगे तो उसके मुताबिक लीडर को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा अपग्रेड करना पड़ेगा और उस अपडेशन और अपग्रेडेशन के अंदर हर नए माहौल में हर नए सरकमस्टांसिस में नए से नए चैलेंजेस में अपने आप को उसको फेस करवाना है देयर फोर द लीडर मस्ट लर्न नंबर वन कि वो एक पार्टनर के तौर पर अपने फॉलोअर्स के साथ ऑपरेट करे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट द लीडरशिप कंसर्न जिसमें हमने कहा कि द लीडर इज हु इज फ्रॉम विद इन जो हम में से है जो समझता है कि हमारे हालात और वाक्यात कैसे हैं और उसके अंदर हमें किस तरह से ऑपरेट करना है सो द लीडर मस्ट लर्न दैट ही और शी हैज टू एक्ट लाइक अ पार्टनर फॉर द सोल्यूशन विद द फॉलोअर्स द नंबर टू लीडर मस्ट भी अडेप्टिव वो फ्लेक्सीबल हो वो चेंज ओर हो वो मोल्ड हो सके हर तरह के हालात और वाकत में देन द लीडर मस्ट एंगेज टू रिजॉल्व दैलेंजेस मुश्किल का सामना उसको करना आना चाहिए प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए प्रॉब्लम के कॉज एंड इफेक्ट क्या है उनको वो अंडरस्टेंड कर सके ताकि उसके मुताबिक अपने फैसले को वो मटीरियलाइज करे द थर्ड थिंग इस सारे अमल में द लीडर नीड्स टू रिमेन काम कंट्रोल, बिकॉज़ अगर वो खुद एंजाइटी का शिकार हो जाएगा तो ऑब्वियसली उस केस में उसकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी और वो अपने फॉलोअर्स को भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकेगा एंड दैट इज टाइम ही इज गाइडिंग अदर पीपल मोटिवेट अदर पीपल और उस इंस्पायरेशन से उस मोटिवेशन से ही और शी फॉलोअर्स उसको ट्रस्ट निगाह से देखें उसकी क्रेडिबिलिटी को समझें और उसके कहे हुए बात के ऊपर अमल कर सकें लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो लीडर को समझनी है इस माइंडफुलनेस में एंड दैट इज मेक वाइज एंड थॉटफुल एक्शन उसके हर अमल के पीछे रीजन और लॉजिक हो उसके हर अमल के पीछे कोई ना कोई रैशनैलिटी हो और वो उस रैशनैलिटी को यूज करता हुआ मसाइल के हल के लिए वहां पर मौजूद है और अपने फॉलोअर्स को गाइड कर रहा है ट्रेन कर रहा है डेवलप कर रहा है अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक लीडर को बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस होना पड़ता है और उस माइंडफुलनेस में उसको मोटिवेट भी करना है इंस्पायर भी करना है लोगों को गाइड एंड ट्रेन भी करना है और अपने गिर्द नवा में पाए जाने वाले तमाम सूरत हाल को समझना भी है थैंक यू